Hi, this is Divyaa Pandit, aapki tarot card reader, spiritual healer aur life coach. Aaj main jo aapko saath baat karne wali hoon, wo hai quantum physics. Ab isko hindi mein kya kehte hain mujhe nahi pata. I'm not very, itna zyada mujhe hindi ka gyan nahi hai, phir bhi main koshish kar rahi hoon ke इसको अपने वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बनाऊं, क्योंकि हिंदी में मैंने शुरुआत की है अब से, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करती हूं और आधे लोगों को समझ में नहीं आता. सो उसकी वजह से मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छी हिंदी बोलने की और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की. तो अब जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ क्वांटम फिज़िक्स के बारे में, वो चीज़ ये है कि हर चीज़ जो हम बड़े दिल से डिज़ायर या इच्छा कहते हैं ना हिंदी में, तो इच्छा से अगर हम अपना ज़ोर लगाएं तो वो चीज़ हो जाती है. ठीक है, तो अब जो मैं करने वाली हूँ, आपको एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी बताने वाली हूँ कि 24 घंटे से थोड़ा सा आगे, 48 आवर्स. ठीक है, 48 आवर्स में अगर आपको कोई चीज़ करनी है, जैसे आपका किसी से लड़ाई हो गई है, या आपको बहुत अर्जेंट नीड है कि कोई आपको कॉल करे, या फिर आपको कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई है लाइफ में कि वो पैसा आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, ये चीज़ पॉसिबल होती है और होगी, लेकिन आपको अपने आप को रिसेप्टिव रखना है. लेकिन बहुत बार देखो, जैसे मैं उपाय देती हूँ, कितने सारे उपाय देती हूँ, मैंने आई थिंक 200 वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैडम नहीं हुआ, हमने तो किया, हमने तो क्रिस्टल रखा, हमने तो ये किया. वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उपाय गलत नहीं है, उपाय तो सही है. मैं तो कहती हूँ अगर आप उपाय भी नहीं करोगे ना, बैठ के सिर्फ जाप करोगे, वो भी मैनिफेस्टेशन होता है. लेकिन चीज़ काम क्यों नहीं होते हैं लोगों के? काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप दिल से नहीं करते हो. अब बोलोगे हम तो दिल से कर रहे थे. नहीं, आपका जो सबकॉन्शियस लेवल, जहाँ तक कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है. तो आप कितनी भी कोशिश करते हो वो चीज़ नहीं होती. तो आप एफर्मेशंस यूज़ करो, आप पॉजिटिव थिंकिंग यूज़ करो, आप मेडिटेशन यूज़ करो. कोई भी उपाय करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से क्लियर करके, चक्रा क्लीनिंग करके, मेडिटेशन करके अपने आप को एकदम रिसेप्टिव बनाओ. जब आप अपने आप को एकदम रिसेप्टिव बनाओगे, दैट इज़ अ टाइम, वो वक्त पे आप जब उपाय यूज़ करोगे तो वो मैनिफेस्ट होगा, वो होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगा. ठीक है, तो आज मैं जो उपाय बता रही हूँ आपको, बहुत ही ईजी है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अगर पैसे चाहिए 24 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा, 48 आवर्स में, मैं 48 आवर्स प्रेफर करूँगी, तो उसमें या आपकी लड़ाई हो गई है तो आपको सॉल्व करना है, या किसी का फ़ोन नहीं आया तो वो फ़ोन आए, उसके लिए आपको 2 ग्लास लेने, कांच के ग्लास. ठीक है, अब आप मुझे पूछेंगे कलर्ड लेना है, डिफरेंट कलर का ग्लास होगा तो चलेगा, चलेगा, बट मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक तो चीज़ें दिखती है और वो एनर्जी जो है ना वो आपको महसूस होगी. ऐसा नहीं है कि दूसरे कलर्ड ग्लास में नहीं होगी, होगी. सॉरी, मेरा मर्लिन है, आई बिलीव इन हिम. सो ये जो ग्लासेस हैं ये आपको लेने हैं. कोशिश कीजिए ट्रांसपेरेंट लीजिए, ट्रांसपेरेंट नहीं है घर में कलर्ड है पकड़ लीजिए, पर कांच के ही ग्लास यूज़ करना, मेटल या प्लास्टिक नहीं यूज़ करना. इसमें क्या होता है कि ग्लास इज़ अ वेरी बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो उसकी वजह से वो अच्छे से यूज़ होगा. ठीक है, तो हमने 2 ग्लास ले लिए. ठीक है, अब थोड़ी सी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है. अब हम क्या कर रहे हैं, हम पानी को यूज़ कर रहे हैं. पानी को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि पानी बहुत अच्छा क्लेंज़र है. ठीक है, पानी में कोई भी चीज़ आप डालो, देखो आप उसमें शरबत डालो तो शरबत जैसा हो जाता है, आप उसमें कॉफ़ी डालो तो कॉफ़ी बन जाती है. पानी कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, जब पानी जल्दी एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, वही एनर्जी हमारे अंदर जाती है. अब जब आप एक स्पेस में जाते हैं, कहीं किसी के घर जाते हैं, या किसी डॉक्टर के पास आप बाहर वेट करते हैं, या ऑफिसेज में जाते हैं, या कहीं भी होटल में जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा पानी के ग्लास रखे हुए हैं. तो वो ग्लास अगर पानी खुला हुआ हो, ढका हुआ नहीं हो, उस पर लिड नहीं हो, या वो बॉटल में नहीं हो, आप वो पानी कभी नहीं पियेंगे. क्यों?
क्योंकि जो भी स्पेस में, जो भी जगह पे पानी रखा जाता है, वो पानी उस जगह का एनर्जी एब्जॉर्ब करती है. कहीं कोई जगह पॉजिटिव होती है, कोई जगह नेगेटिव होती है. खास करके डॉक्टर की डिस्पेंसरीज जो होती है या डॉक्टर की जो वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पर स्पेशली मैं कहती हूँ कभी पानी मत पीना. अगर वो पानी बॉटल में है या ढका हुआ है या वो जो वहाँ पे वाटर फिल्टर्स लगे होते हैं राइट, उसमें है तो आप पीजिए, वरना मत पीना. उससे क्या होगा, आप वही डिजीज़ वाले या वही वहाँ पे 100 लोग आते हैं जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, वही एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे. तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने से अवॉइड कीजिए. अपना पानी खुद कैरी कीजिए, वो सबसे बेस्ट चीज़ है. अपना पानी खुद कैरी कीजिए. और पानी से बहुत ईजीली आप जैसे किसी के घर पे भी जाते हो, वहाँ जाके सबसे पहले लोग आपको पानी ऑफर करते हैं. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी घर जाके पानी मत पियो, पियो, लेकिन पानी को पहले जब आप ग्लास में पकड़ते हो ना, फूंक मार दो ताकि आपकी अपनी एनर्जी उसमें जाए और फिर आप पियो. आपको कभी नुकसान नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि पानी बहुत जल्दी कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. तो आज का जो उपाय है जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि पहले आप ऐसा कीजिए, पानी दोनों ग्लास में आप पानी डालेंगे, ठीक है. मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, पूरा भरना भी नहीं है आपको क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है. आपने पानी डाल दिया. अब मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा रेड पेन. लोगों को अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरे अपने तरीके के उपाय होते हैं. सो मैं रेड पेन लूँगी. आप पहले एक चिट पे, यहाँ मैंने दो चिट्स ली हुई हैं राइट, आप पहले एक चिट पे वो लिखेंगी जो आपकी करंट सिचुएशन है. सपोज़ मेरी करंट सिचुएशन क्या है कि मेरी लड़ाई हो गई है मेरे भाई से, वो लिख सकते हैं. या आप लिख सकते हैं मेरी करंट सिचुएशन है कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरी नीड है. ऐसी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों की होगी कि पैसों की ज़रूरत इमिजिएटली है. लेकिन आपको ऐसा कुछ लिखना है जो प्रैक्टिकल अमाउंट हो. जैसे मुझे इस वक्त 20,000 रुपये की ज़रूरत है. अगर मैं लिखूँगी मुझे 48 आवर्स में या 24 घंटे में 10 करोड़ आ जाए, वो नहीं होने वाला. आपको कोई प्रैक्टिकल अमाउंट लिखना है जो अचीवेबल हो, जो प्रैक्टिकली आपको मिल सकता है. कोई आपको आके उधारी दे दे या कहीं से आप जा कर के ले लो, वैसा अमाउंट, ठीक है. या कहीं से पैसे आने वाले हैं, वैसा अमाउंट. तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी पूरा वो प्रैक्टिकल के मेरी करंट सिचुएशन ये है कि मुझे इस वक्त 48 आवर्स में 25,000 की ज़रूरत है राइट. ये लिखिए. या अब आपको ये एक प्रॉब्लम एक पेपर पे लिखनी है, आप 10 प्रॉब्लम एक पेपर पे नहीं लिख सकते. फिर आपको लिखना है मेरे भाई से लड़ाई हो रही है तो वो लड़ाई ख़त्म हो जाए, हमारी सुलह हो जाए, ये लिख सकते हो. या फिर कुछ और प्रॉब्लम है आपकी, आप वो लिख दो. ये करंट सिचुएशन है. फिर दूसरे पेपर पे आप लिखोगे मेरी लड़ाई सॉल्व हो गई है और हम बहुत प्यार से रह रहे हैं, हो गई है इन द प्रेजेंट. या आप लिखोगे मुझे 25,000 मिल गए हैं जो आपको चाहिए और जो करंट सिचुएशन है. ये दोनों चीज़ आप अलग अलग पेपर पे लिखोगे, ठीक है. ये आपने लिख लिया. अब पहले जो करंट सिचुएशन है मैं उसको यहाँ पे चिपका रही हूँ, ठीक है, एक ग्लास पे. मैंने करंट सिचुएशन को चिपका दिया. अब मैं दूसरे ग्लास पे जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी डिज़ायर है, मैं उसको चिपका दिया, ठीक है, हो गया. अब पहले मैं करंट सिचुएशन को उठाऊंगी जो अभी की मेरी सिचुएशन है. मैं उसके बारे में आंख बंद करके 2 मिनट मेडिटेट करूंगी और बहुत स्ट्रांगली सोचूंगी मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है. अब सब मुझे आई जस्ट वॉन्ट दिस सिचुएशन इज, जो भी है, जो भी सिचुएशन है वो आपको इस वक्त सोचनी है कि पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये वो, एंड बहुत स्ट्रांगली सोचनी है, ठीक है. अब इसको पकड़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है. ये सिचुएशन है लेकिन मेरा काम हो गया. आपने इंटेंशन डाल दिया स्ट्रांग,
बहुत स्ट्रांगली डालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग बहुत स्ट्रांगली नहीं डालते फिर भी काम नहीं होता, क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे रिसेप्टिव प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं ये जो करंट सिचुएशन का पानी डिज़ायर में डालूंगी, जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं हाथ में पकड़ूंगी, बहुत स्ट्रांगली वापस सोचूंगी मेरा काम हो गया है, मुझे 48 आवर्स में पैसे मिल जाएंगे, मुझे 48 आवर्स में मेरा लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, मेरे 48 आवर्स में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बहुत स्ट्रांगली मैं सोच रही हूँ इस बात को, मतलब मेरा पूरा फोकस पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि किसी कोई भी चीज़ इस चीज़ के बीच में आए या ऑब्स्टिकल बने। बहुत स्ट्रांगली सोचा मैंने, ठीक है, सोच लिया, मैंने 3 बार ब्लो भी कर दिया। ठीक है, अब इस पानी को मैं पीने वाली हूँ, इस पानी को अब मैं पी लूँगी, पूरा का पूरा पानी पी लूँगी जितना मैंने इसमें भरा है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि इसको आधा आधा ग्लास भरना, अगर आपको ज़्यादा पीना है तो पियो, पर ये पूरा पानी मैं विद स्ट्रांग इंटेंशन ये पीने वाली हूँ। ये इसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। ये चीज़ इतनी कमाल की काम करती है, अगर आप करोगे और बहुत अच्छे से स्ट्रांगली करोगे ये 100% काम करेगी। लेकिन फिर आप मुझे लिखोगे कि मैम नहीं हुआ काम, ऐसे नहीं हुआ वैसे, अंदर कितने लोग कितने कमेंट्स लिखते हैं, पर वो ये नहीं समझते जब ये काम नहीं होते हैं कोई भी उपाय करके, इट इज़ बिकॉज उनका खुद का रिसेप्टिव पावर नहीं है, उनका इंटरनल पावर नहीं है। थर्ड चीज़ जो होती है कि ये जो सिचुएशन है, सपोज़ किसी की लड़ाई हो गई या पैसे नहीं, वो सिचुएशन में भी उनकी लाइफ का ड्रामा कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये बहुत सारे रीजंस होते हैं काम नहीं होने के, उपाय तो काम करते ही करते हैं। मैं तो कहूँगी आप एक पत्थर को भी भगवान बना दोगे ना, वो पत्थर भी आपके लिए काम करेगा। कोई भी चीज़ आप दिल से करोगे वो होगी ही होगी। ये था मेरा आज का उपाय, और प्लीज़ ट्राई कीजिए। और ख़ास मैंने हिंदी वीडियोस आप व्यूवर्स के लिए, मेरे सारे व्यूवर्स के लिए शुरू किए हैं। भगवान करे आपके सारे काम हो जाएं, जो जो आप मैनिफेस्ट करो वो मैं दिल से दुआ देती हूँ कि आपके सबके काम हो जाएं। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब मैं और सारे बहुत सारे हिंदी में उपाय लेकर आ रही हूँ, हिंदी में खास वीडियो बना रही हूँ सबके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना वाइट लाइट हीलिंग सेंटर को, और मुझे पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए whitelighthealingcenter@gmail.com पे ईमेल करना, ER वाला सेंटर है, और फेसबुक पेज पे ज़रूर मैसेज करना, लाइक करना पेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ भी देती हूँ। वहाँ के भी मैसेज बॉक्स में आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, जिससे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी आवाज़ सुने बिना, किसी को मुझे देखे बिना किसी को पैसे मत देना, ठीक है। और प्लीज़ मुझे सिर्फ पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉन्टैक्ट करना, बाकी तो मैं YouTube पे हूँ ही सबको हेल्प करने के लिए। दैट्स ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस।